आप ही कुछ समझाए ना, आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे? क्या बोलूं पुत्र, क्या बोलूं? तूने मुझे कुछ बोलने के काबिल छोड़ा। मैं जिंदगी का इतना बड़ा फैसला तूने अकेले ही कर लिया। मैं पूछा तक नहीं मुझे, और पुत्र मेरे वापस आने का इंतजार ही कर लेता। है कैसे इंतजार करते, तलाके जो लेनी थी दोनों ने, एक ही ख्याल था ना। सारा पता है मुझे, सब समझती हूँ मैं, पागल ना समझो मुझे। मैं जानती हूँ चाची जान, मैं आप पसंद नहीं हूँ। ये तो आपकी अपनी औलाद है, इन पर आप इतना बड़ा बहुतान कैसे लगा सकती हैं? गुनाह है ये। वड़ी आई, अब तू बताएगी हमें कि गुनाह सबाब क्या है? चुप कर जा, चुप कर जा। जा पुत्र, इसकी बातों में ना आएगी तो पता नहीं क्या हॉल फॉल बोल रही है। तू जा अंदर जा, जा। चचा जान, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती, मगर मैं अपनी जात पर इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसीलिए मैं नोमी के साथ यहां आ गई थी ताकि तबरेज खुद ही कुछ फैसला कर ले। अच्छा जी, मैं बताऊं तुझे किरदार तेरा। राहत ने सारे दुख सुख फोले मेरे साथ, उधर तूने पिंड में तनवीर को पागल किया हुआ था अपने पीछे, वो तेरे से दूसरी शादी करना चाहता था। उसके बाद तबरेज नजर आ गया, उसका पैसा देखा तो तेरी राल टपकने लग पड़ी, उससे शादी की, वापस आई, तुझे ये लल्लू नजर आया मेरा पुत्र, तूने कहा इसको फंसा लेती हूँ। खुदा का वास्ता बस कर दे अम्मा, बस कर दे। आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं मैं। दुर्योधन की नफरत में इस कदर मत करे अम्मा। कितनी बार बताऊं आप सबको कि कुछ गलत नहीं किया। पाक किरदार है उनका। हमारे दरमियान कुछ गलत नहीं है अम्मा। और क्या गलत किया होगा मैंने, क्या गलत किया है? दुर्योधन के बेहतर मुस्तकबिल के बारे में सोचना गुनाह है? आप लोगों की जुल्म ज्यादती के खिलाफ उनके साथ खड़े होना गुनाह है। इतना घटिया इल्जाम, इतनी ज्यादती, एक पाक और नेक लड़की के साथ इतनी ज्यादती बात करें, खुदा के कहर से डरे आप? बस यार बस। नहीं अब्बा जी, अफसोस हो रहा है मुझे, आपने भी मेरा साथ नहीं दिया। शफक के दिमाग में गंद भरा हुआ था, उसकी मिन्नतें की, हाथ जोड़े, समझाया कि कुछ नहीं है ऐसा, लेकिन नहीं। आप सबको दुर्योधन से नफरत है और इस वजह से आप लोगों ने मेरा भी घर बर्बाद कर दिया। बर्बाद कर दिया आप लोगों ने सब कुछ। बस यार बस। मैं जानता हूं, मैं अपने पुत्र को जानता हूं, अपने मां साहब को जानता हूं पुत्र। मैं तो जो कह रहा है बिल्कुल सच कह रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जानता हूं ऐसा कुछ नहीं है। और दुर्योधन पाक है, कलंदर है, ये सब गलत है मेरे पुत्र। बस चुप कर जा। बस मैं एक
मैं एक बात चाहता हूँ कि ये बात को यहीं पे दफन कर दो, आगे मत बढ़ाओ। तबरेज को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि दोनों भाइयों के दरमियान कोई खलिश पैदा हो। लेकिन अब्बा जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप इस बात को छुपा क्यों रहे तबरेज से? इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसे छुपाएंगे तो ये तो सच साबित हो जाएगी ना। फीटू, तू जो कुछ कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है कि पुत्र मेरी बात को समझने की कोशिश कर। ये इस वक्त तकाजा है, मसलियत से काम लेते हैं। बस मेरा पुत्र, इससे आगे कुछ नहीं।